हीरा कारोबारी और भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए भारत ने इंडिका सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया है। इसको लेकर भारतीय दल ने इंडिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए आवेदन दिया। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के कथित मास्टरमाइंड में से एक है और वो भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का रिश्तेदार भी है। देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक की जांच कर रही सीबीआई और ईडी ने चौकसी को वांटेड घोषित कर रखा है। यहां आपको बताते चलें कि मेहुल चौकसी के इंटिगा में होने की जानकारी मिलने के बाद भारत की तरफ से बीते कई दिनों से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही थी और इंडिका सरकार ने भी भगोड़े मेहुल की प्रत्यर्पण को लेकर भारत की हर संभव मदद का भरोसा दिया था।